वरिष्ठ समाज सेवी राजवीर दहिया रविवार को गोहाना पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान वाल्मीकि आश्रम में आयोजित सत्संग समारोह में शिरकत की। उनका यहां पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। इस मौके पर रामू रामपाल और दीपक दैत्य ने कहा कि राजवीर दहिया ने हर मौके पर समाज में सद्भाव का संदेश दिया है। राजवीर दहिया ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा वो चाहते हैं समाज सेवा के साथ वो राजनीति में आकर भी गोहाना को सेवा करें, इसलिए इस बार वो गोहाना से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बात पर समस्त वाल्मीकि समाज ने उनका साथ देने की बात कही। राजवीर दहिया ने कहा कि वो गोहाना विधानसभा को विकास के मामले में सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं। पूर्व में रहे राजनीतिक नेताओं ने गोहाना को जात पात के जहर में घोल दिया था, जिसके बाद गोहाना की छवि को धूमिल किया गया था। उन्हें विश्वास है कि गोहाना को जनता इस बार उन्हें आशीर्वाद देगी। अगर वो गोहाना के विधायक बने तो गोहाना में सद्भाव के साथ समान विकास करवाया जाएगा। वाल्मीकि आश्रम के बाद राजवीर दहिया व्यापारी विनोद जैन और भटगांव में गौशाला के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गौशाला में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी गौशाला की सारी जो कमेटी, हमारे प्रधान है भाई बलवंत सिंह जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप इस गांव से मैं संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, ये देरिये बनाए रखना, ढंग से बैठना, ढंग से अच्छे उसका परिचय देना, गांव में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे गांव की बदनामी हो। और पैसे या सामान जो गौशाला को चलाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि गांव के लोग यहाँ सहयोग करें, और ये गांव कर भी रहा है। इस गौशाला को मैंने बड़े छोटा जब मैं छोटी उम्र में था और जब ये अंदर गौशाला होती थी, हमारे यहाँ प्रीत पहलवान जी हमारे अध्यक्ष होते थे, चौधरी देवीलाल की सरकार थी, काल पड़ा था, मैं तब से इस गौशाला से जुड़ा था और आज तक शायद कोई ऐसा समय रहा हो कि एक दो बार गलती से ना पाए हो या गौशाला की कमेटी से गलती से मुझे ना बुला पाई हो, नहीं तो रेगुलर आते हैं और रेगुलर गौशाला को संभालते हैं। और मेरी सबसे जैसे भाई रमेश कलावड़िया भी आपको बता रहा था कि भाई जब समय आता है ना, समय सब चीजें कराता है, तो अच्छा समय गांव के लिए, गांव में डेवलपमेंट हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, तो सब लोग मिलजुल करके रहो, गौओं की भी सेवा करो, हो सकता है गौ माता की वजह से ये सब आज जो धरती पर अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियां लग रही है और काम हो रहे हैं, गाँव की डेवलपमेंट हो रही है, और भाई इस धरती माता के भाग जाग रहे हैं, क्या पता किस प्राणी की वजह से ये होता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि भाई अच्छे से लोगों की सेवा करो। और भाई मैं वैसे तो देखो सारी गौशालाओं में गया हूँ अपनी बार, और ये सामने प्रधान जी खड़े हैं, मैंने उनको कहा भी था भाई अपनी बार प्रधान जी नींद गलत के लिए शुरू से, भाई मैं हर गौशाला में टोटल जहाँ जहाँ मेरे को बुलाया मैं बहुत सारी गौशालाओं में गया हूँ, मैं 51,000 रुपए सब गौशालाओं में दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इस गांव का हूँ थोड़ा सा मेरा यहाँ और ये गांव को आने का अधिकार भी ज्यादा है मेरे ऊपर, तो प्रधान जी मैं आपको 1,01,000 रुपये इस साल भी दूंगा और बाकी जो ना बहुत अच्छा परिचय देना है, बोलो गौ माता की भटगांव नगरी की, थैंक यू, धन्यवाद।